वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। बुडापेस्ट में दूसरा दिन, देखते हैं आज बिटिया रानी कहाँ घुमाती है। आज पहले तो बनवाएंगे हम अपने पास, जिससे हम सब जगह सारे ट्रांसपोर्ट में घूम सकें, नहीं तो हमें टिकट लेनी होती है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये ना जगह जगह पर मशीन लगी होती है, इससे आप है ना अपना पास निकाल सकते हो। इसमें सारे ऑप्शन होते हैं कि आपने 24 आवर्स का लेना है, 1 वीक का लेना है, 2 वीक्स का लेना है या मंथली लेना है। तो इसमें ना सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट नंबर फीड करना होता है, अगर आप प्राइवेट पर्सन हैं तो। अब लोकल्स के लिए क्या वो मांगते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपना पासपोर्ट नंबर डाला और हमने ना 1 मंथ का ले लिया, जो कि 9,500 फॉरेंट का था, यानी कि हमारे 2,500 रुपये के बराबर। और उसको लेने के बाद सबसे पहले हमने जो सफ़र किया वो ट्रैम में किया। ये हम ट्रैम में जा रहे हैं। अब ये पास लेने के बाद ना हम बस में, ट्रैम में, मेट्रो में और मतलब फ्रीली घूम सकते हैं। कहीं कोई ना हमें टिकट लेनी है, बस आप पास दिखाओ और उसमें आप चढ़ जाओ बस में या ट्रैम में या मेट्रो में। और कितनी ही बार आप यूज़ करो, 1 मंथ के बाद ये आपका एक्सपायर हो जाएगा, फिर इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो हमने ये ले लिया है और ये देखिए अब हम चल पड़े हैं। हम ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे थोड़ा सा, कि कहाँ जा सकते हैं, ज़्यादा बड़ी तो कंट्री है नहीं ये, लेकिन मैंने कहा थोड़ा थोड़ा रोज़ घूम लेते हैं, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम कहीं और भी जाएंगे घूमने के लिए। तो फिर ये वहीं पर आ गए हैं, हम पार्लियामेंट की साइड ही आए हैं। तो पहले दिन जो था पार्लियामेंट का नज़ारा जो था रात का नज़ारा था, अभी हम दिन में आए हैं, थोड़ी धूप भी है। और ये जो है ना हम पार्लियामेंट की दूसरी साइड से घूम रहे हैं, दूसरे ब्रिज की साइड से। तो पार्लियामेंट का नज़ारा तो अब आप पहले भी देख चुके, अब दिन में देख लीजिए। नदी के किनारे बड़ी अच्छी एक इमारत है इनकी, और इसका जो और ये दूसरी साइड से है कि आप दूसरी इमारतों का भी दर्शन कर लें कि किस किस तरह की यहाँ पर की बिल्डिंग्स हैं। ट्रैम्स आती जाती रहती हैं, ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना एक स्कूटी की फैसिलिटी है, ऐप से आप उसको, मैंने पहले भी बताया, आप उसको ऐप से चार्ज कीजिए और चलाइए। और अधिकतर लोग जो है ना साइकिल से चलना पसंद करते हैं, हर दूसरा तीसरा इंसान आपको साइकिल से ही नजर आएगा। और पार्लियामेंट के जाने के लिए एक हम पार्क से जा रहे थे, तो ये एक ब्रिज था और इस पर एक अंकल जी खड़े हैं, वो कॉपर के थे लेकिन वो हरे हो गए हैं, और हम उससे ब्रिज से निकल के हम अब निकल रहे हैं। तो ये कोई इनकी ऑफिशियल बिल्डिंग है और इसमें आप इनके फ्लैग से भी पता लगा लेंगे बिल्कुल। अब तो बंद है, शाम हो रखी है और साइकिलें खड़ी हैं। और जो आप जो सबसे ज़्यादा नोटिस करेंगे ना, आप यहाँ की सफाई नोटिस करेंगे। हर कंट्री में इतनी सफाई होती है यूरोप की, और इस कंट्री में भी उतनी ही सफाई है, कहीं भी आपको एक कागज़ का कतरा नहीं पड़ा मिलेगा। और ये जो महाशय है ना, ये ऐसे लग रहे थे दूर से मेरे को कि वाकई इन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई है। पास से मैंने इनका देखा, देखो मार्बल में इन्होंने इतनी अच्छे से तराशा हुआ है ना कि आप दूर से बिल्कुल वाकई लग रहा था कि चादर से ढक रखी है मूर्ति, लेकिन जब पास में आके देखा ना तो वाकई फॉल बहुत अच्छे आए हुए थे मार्बल के अंदर, देखते ही बन रहे थे। अब आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी कलाकारी है। और ये महाशय भी कॉपर के हैं लेकिन हरे हो गए हैं या काले हो गए हैं पड़े पड़े। और इनको तो देखो पढ़ने का शौक था ना, तो अभी भी किताब थमा के इनको बिठा रखा है कि आप पढ़ते ही रहे तो बेटर रहेगा। और अब आगे निकलते जा रहे हैं, अपने फुटपाथ पर चलना है हमने, रोड के बीच में नहीं चलना है और जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, चाहे आपको रोड खाली मिले। तो बेटी रानी तो बार बार कह रही थी आपने, आपको इधर उधर से क्रॉस नहीं करना है, वो तो हमें ना जेब्रा क्रॉसिंग पे ही ले जाके खड़ा करती थी। हम कहते थे यहाँ से क्रॉस कर लेते, खाली तो है नहीं यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे लिए रूल्स थे। हालांकि हमारी रिस्पेक्ट भी बहुत होती है, जो लोग पैदल चलते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत है, लेकिन उनके लिए रूल्स भी बहुत हैं। और नदी का किनारा, और मेरे को तो बहुत ही पसंद है, मैंने एक दो ब्लॉग्स में पहले भी बताया हुआ है कि मुझे नदी का किनारा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी दूर की नदी मुझे बुलाएगी। नदी का किनारा गंगा यमुना नदी, और गंगा मैया के पास तो जाना आना जाना होता रहता है, और अपनी दिल्ली की यमुना नदी के तो हाल ही खराब किए हुए हैं, और ये बुडापेस्ट की नदी ने मुझे बुलाया है अपने दर्शन देने के लिए और मेरे दर्शन लेने के लिए। और अब ये पार्लियामेंट की दूसरी साइड से एक और एक इमारत आप देख लीजिए, पार्लियामेंट की दूसरी साइड ही है ये, मतलब और इमारत नहीं है, उसकी बगल वाली साइड में, कि किस तरह से इनका है। अंदर जाने का नहीं है बिल्कुल भी, दरवाजे बिल्कुल बंद हैं और किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। और ये भी एक बहुत अच्छा स्टैचू यहाँ पे बनाया हुआ था। और अधिक और जब सबसे ज़्यादा जहाँ जो देखने को मिल रहा था ना, कि सबके पास एक एक पेट तो होता ही था, हर कोई पेट लेके घूम रहा है, पर छोटे छोटे से इनके पेट होते हैं।
और आवारा कुत्ते कहीं भी नहीं थे, एक भी आवारा कुत्ता नहीं मिलगा देखने को मिल रहा। वो तो सीन है ही नहीं कि आप रोटी लेके हाथ में चलो और कहीं भी कुत्ते को डाल दो, वो सीन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो कुत्ते हैं ना ही यहाँ कौवे हैं, मतलब कि आप कहीं भी दाने डालते फिर रहे हो, बाजरा डालते फिर रहे हो, कबूतर हैं, कहीं कोई कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ऐसी नहीं है। तो ये कहने का मतलब था। और ये जो स्टेचू है ना, ये देखिए, ये इनकी ताजपोशी का इन सारे मिलकर के तैयारी कर रहे हैं ये इसमें, और वो ऊपर जी इनके सम्राट हैं जो घोड़े पर बैठे हैं, उनकी ताजपोशी हो चुकी है। तो इन्होंने हूबहू जो है ना इस स्टैचुओं के द्वारा बता रखा है। तो अब पार्लियामेंट से आगे चले, तो पैदल ही जा रहे थे कि हमने कहा चलो कहाँ ट्रैम में चढ़ेंगे, चलो पैदल ही निकलते हैं। तो आज के दिन तो हम बहुत घूमे, पैदल ही घूमे, और आपको ये दिख रही होगी बिल्डिंग भी आधी तो साफ साफ सुथरी है और कहीं कहीं काली है। तो मुझे लगता है कहीं ये वार के मतलब लड़ाई के दौरान इनकी बिल्डिंग को नुकसान हुआ होगा, तो कुछ एक बिल्डिंग्स इनकी रह गई है जिनका अभी इन्होंने रिस्टोरेशन नहीं किया है। ये बिल्डिंग या तो इन्होंने दिखाने के लिए छोड़ी हुई है, तो चलो हमें कुछ नहीं पता। और अब ये है CEU, यानी कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हमारी बेटी रानी पढ़ने आई थी, तो बोली जहाँ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने आई थी ना, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ ले जा करके। फिर काफी कदम चल के ये यूनिवर्सिटी भी आई, और ये इस यूनिवर्सिटी को देखते हुए भी हम आगे निकले। आगे निकले तो ये देखिए सेंट स्टीफन बेसिलिका, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कैफे का सिस्टम यहाँ पर बहुत ज्यादा है, देखिए दोनों तरफ लोग बाग बैठे हैं आराम से, और इस तरफ भी और उस तरफ भी। आज के दिन हमें बहुत लोग दिखे, संडे को कोई भी नहीं नजर आया था, वीरानी छाई हुई थी, और ये अंकल जी थे और बच्चा उसकी तलवार खींचने आया हुआ था। और अब ये देखिए सेंट बेसिलिका, जितना पास आज जाते जाओगे ना उतना ही खूबसूरत दिखता जाएगा। फिलहाल एंट्री नहीं थी इसके अंदर, दिन में एंट्री होती है बाय टिकट, अब ये बंद था, तो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं हम लोग। बाहर से ही दर्शन करके इसके फिर हम और आगे निकले, और आगे निकले तो ये है रिट्स होटल। तो इसकी लाइटिंग बहुत सुंदर थी, तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। और ये अब हम रुके हुए हैं, हमारे लिए रेड लाइट है, नॉट फॉर व्हीकल्स, जो पैदल चलने वाले होते हैं ना उनके लिए भी यहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है, और रेड लाइट अब ग्रीन लाइट में तब्दील हुई है, तब लोग बाग चले हैं। बहुत गलत माना जाता है कोई रेड लाइट नहीं चले। अब ये है फैशन स्ट्रीट ऑफ बुडापेस्ट, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शोरूम है। फैशन स्ट्रीट के अंदर हम गए नहीं है, यहाँ भी कैफे का आप देख रहे होंगे प्रचलन, तो हम अपने रास्ते जाना था हम, क्योंकि अब हमने घर निकलना था, तो फैशन स्ट्रीट को हमने एक्सप्लोर नहीं किया। अब हम ये चल पड़े मेट्रो की तरफ। अब भाई मेट्रो में जो था एस्केलेटर, ये इतना लंबा था, 1.5 मिनट तक। मैंने सोचा कुछ मिनट तो मैं आपको दिखाऊं, मतलब फिर मैं ही इस वीडियो को एडिट करते करते ना इस एस्केलेटर को देखते देखते थक गई, और मैंने कहा भाई अब आगे और मैं नहीं दिखा रही हूँ। और ऐसे करके हम मेट्रो में चले गए, और मेट्रो में जा करके फिर हम अपने घर पहुंचे। और आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देखते देखते ना प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, सच्ची में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ये देखो मेट्रो आ गई है, और मेट्रो में चढ़ेंगे, बिल्कुल हमारे इंडिया जैसी मेट्रो है, या इंडिया की मेट्रो इनके जैसी है, बात एक ही है, थोड़ा सा सीट अलग थी लेकिन मेट्रो का स्टाइल वही था। और अब हम मेट्रो में बैठ रहे हैं और अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और जा कर के हमने फिर वही खाना बनाना है, बढ़िया से खाना है और सोना है, और अगले दिन के लिए फिर हमने घूमने के लिए निकल पड़ना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।